पार्किंग तो है, फिर भी ना जाने क्यों नो पार्किंग जोन में ही वाहन खड़े करना लोग शौक समझ रहे हैं। व्यापार मंडल ग्लोड के सामूहिक प्रयास से क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा वाहन चालकों को मुहैया करवाई गई है। बावजूद इसके वाहन चालक वाहन पार्किंग में ले जाने की बजाय नो पार्किंग जोन में खड़े कर रहे हैं। इससे जहां सड़क मार्ग सिकुड़ता जा रहा है, वहीं राहगीरों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नो पार्किंग जोन में खड़े हो रहे वाहन प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसे वाहनों पर आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? बहरहाल पार्किंग की व्यवस्था के बावजूद भी नो पार्किंग जोन में खड़े हो रहे वाहन राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। नमस्कार, मैं सचिव विशाल लखनपाल गरोड बाजार से। जैसे कि काफी समय से ट्रैफिक के जो इशू चल रहे थे हमारे बाजार में, हम व्यापारी भाइयों ने, व्यापार मंडल ने एक पार्किंग की सुविधा स्टार्ट की थी आज से कोई 3 महीने पहले। तो फिर भी यहाँ पे आप कभी भी आ सकते, जैसे कुछ टाइमिंग है, बैंकिंग टाइम हो या कोई भी हो, उस समय में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे हर जगह कारें और बाइकें ही मिलेंगी। नो पार्किंग जोन होते हुए भी प्रशासन हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। हम पिछले 4 महीने से सबको बोल रहे हैं, हम डीसी पास भी जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं कि जो नो पार्किंग एरिया है उसमें कम से कम गाड़ियां ना लगे। हम नहीं कह रहे कि पार्किंग में ही गाड़ियां लगाए, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सिर्फ पार्किंग हमारे व्यापारी भाइयों के लिए ही रखेंगे। अगर नहीं सोचता तो रिक्वेस्ट है मेरी सब डिपार्टमेंट से, पुलिस चौकी से भी, बरसा थाने से भी, कि हमारा ये जो छोटा सा हमने निर्णय लिया था पार्किंग का बंद करने के कगार पर ना आ जाए। तो हम चाहते हैं कि आप आते हमारे यहाँ के जितने भी सड़कों पे गाड़ी लगती हैं उनके बारे में कुछ करें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर के साथ ग्लोड से अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।